हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट मोहनथाल बनाने की रेसिपी, जिसे मैंने बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग और मेजरमेंट के साथ बनाया है। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आपका भी मोहनथाल बिल्कुल फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक प्लेट, इसमें डाल देंगे 2 कप बेसन। तो बेसन को मैंने मेजरिंग कप में अच्छे से प्रेस कर करके भरा है। ये देखिए, 2 कप बेसन मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे पिघला हुआ घी, 3 बड़े चम्मच। घी को मैंने पिघला कर यूज़ किया है, जिससे कि मेजरमेंट में आपको आसानी हो, वरना अगर जमा हुआ घी रहेगा तो कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने घी को पिघला कर यूज़ किया है। तो मेल्टेड घी लेंगे हम 3 बड़े चम्मच, और इसके बाद हमें इसे मिक्स करना है। आपको टाइम देख कर 5 मिनट के लिए इसे इस तरह से मिक्स करना। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कसकस के मैं इसे मिक्स नहीं कर रही हूँ, हल्का हल्का सा रब कर रही हूँ। जो मेरी उंगलियाँ वो भी आपस में टच नहीं कर रही हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से इसे इस तरह से रब करना है आपको 5 मिनट के लिए टाइम देकर। देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से रब कर लिया। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है वो पहले से काफ़ी चेंज हो गया और कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा बहुत, ये देखिए। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है दूध। तो दूध भी हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच। ये मैंने नॉर्मल उबला हुआ दूध लिया है, ठंडा है ये रूम टेम्परेचर पर। इसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हमें बिल्कुल हल्के हाथों से रब करना है। ये देखिए, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आपको रब नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि मेरी जो उंगलियां वो भी आपस में टच नहीं कर रही हैं। तो ये देखिए, दूध को भी मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से बेसन में रब किया है हल्के हाथों से। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर सब बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखिए, ये जो हमारा दानेदार बेसन है ये यहाँ पर बन चुका है। ये देखिए इसमें कितने दाने दाने हैं। लेकिन अभी हमें इसे स्ट्रेन करना है। आप चाहे तो इसे छन्नी से छान भी सकते हैं, या फिर आप इसे मिक्सर में पल्स मोड पे इसे चला भी सकते हैं 10-20 सेकंड के लिए। उससे भी ये हो जाता है और छानने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। आप इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं 10-20 सेकंड के लिए। आप इसे ऑन ऑफ करते हुए चला दें, ये हो जाएगा। तो इसे मैं डाल रही हूँ इसे स्ट्रेनर में और इसे हम छान लेंगे। ये देखिए, बेसन को मैंने छान लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे बेसन का जो टेक्सचर है वो पहले से कितना चेंज हो गया है। और ये जो बेसन था ये मैंने पैकेट वाला लिया था। आप भी कोई सा भी बेसन यूज़ करके बिल्कुल परफेक्ट दानेदार मोहनथाल बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो पैन में हम ले लेंगे देसी घी। तो फिर से मैंने यहाँ पर घी को पिघला कर यूज़ किया है, जिससे कि मेजरमेंट में थोड़ी आसानी हो जाए। तो 3/4 कप हम घी लेंगे। आपको इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप कम ले सकते हैं, आप 1/2 कप भी घी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन, जिसे हमने अभी छान कर रखा था। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। पहले गैस का जो फ्लेम है वो मैंने इस टाइम लो पर रखा हुआ है। ये देखिए, बेसन ने सारा जो घी था वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे, वैसे वैसे ये सारा घी जो है वो रिलीज़ करते जाएगा, छोड़ते जाएगा, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए, सारा घी जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। तो अब हम इसे भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। आपको इसे भूनना है जिससे कि बेसन अच्छे से भुन जाए। ये देखिए, इस तरह से आप चलाते हुए इसे भूनें। इसमें आपको 15 मिनट लग सकता है कम से कम। ये देखिए, इसे भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं कि इसमें से जो घी है वो रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है।
ये देखिए इसे भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गया। आप देख सकते हैं इसमें झाग जैसा बनने लगा है। अभी हमें इसे और भूनना है जब तक इसका जो कलर है वो ब्राउन नहीं हो जाता। बिल्कुल जैसा बिस्किट होता है ब्राउन कलर का, वैसा हमें कलर आने तक इसे भूनना है। ये देखिए यहाँ पर ये ब्राउन कलर होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए हम इसे और भूनेंगे, थोड़ा और डार्क कलर आने तक। अगर आपका इस तरह से डार्क कलर नहीं आता है तो आप गैस का फ्लेम 2 या 3 मिनट के लिए हाई पे कर दें और हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लें, तो आपका जो बिल्कुल परफेक्ट डार्क ब्राउन कलर है वो आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है और इसे हमें एक साथ पूरा ऐड नहीं करना है। ये देखिए थोड़ा सा दूध मैंने ऐड किया है, इसे मिक्स करेंगे और जब ये पूरा दूध सूख जाएगा उसके बाद ही हम इसमें बाकी का दूध ऐड करेंगे। तो पहले आप इसे अच्छे से मिक्स करें। गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पर है। ये देखिए दूध जो है वो सूख गया है। तो अब हम इसमें बाकी का जो दूध है वो भी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। एक साथ आपको पूरा दूध नहीं ऐड करना है, मैंने आधा कप दूध लिया था। ये देखिए थोड़ा सा दूध मैंने और ऐड किया है। जब ये दूध सूख जाएगा तो हम और ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन कलर दिख रहा होगा आपको, बहुत ही प्यारा कलर आया है, जैसा कि बिल्कुल मोहन थाल का होता है। बाकी का दूध भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से हम। और बेसन को भूनने में मुझे टोटल 15 से 20 मिनट लग गए थे। देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, सारा जो दूध था वो भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा दानेदार जो बेसन है वो देखिए यहाँ पर बन चुका है। ये देखिए और कलर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है इसका, जो कि आपको पहले अगर क्लियरली नहीं दिख रहा हो ब्राउन कलर, दूध ऐड करने के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट ही दिखने लगता है, उसका जो कलर है वो खिल कर आ जाता है। तो इसे हम साइड में रखेंगे। इसके बाद हमें इसके लिए बनानी है एक तार की चाशनी। इसके लिए हम पैन में डाल देंगे 1 कप चीनी, 2 कप बेसन के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है। इसमें डाल देंगे 3/4 कप पानी और अब हमें इसे पकाना है जब तक कि जो चीनी है वो घुल नहीं जाती। आप गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई पर करके चीनी के घुलने तक इसे पका लें। तो ये देखिए यहाँ पर चीनी जो है वो घुल गई है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे केसर का पानी। मैंने यहाँ पर थोड़े से गर्म पानी में कुछ धागे केसर के भिगो कर रख दिए थे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर और इसे मिक्स करेंगे। और इसकी हमें बनानी है एक तार की चाशनी, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो चाशनी है वो रेडी हो गई है। थोड़ा सा हम किसी भी प्लेट पर निकाल लेंगे, उसे ठंडा करके इस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए आपको क्लियरली एक तार इसमें बनता हुआ दिख रहा होगा बीच में, बिल्कुल ऐसे ही हमें चाशनी चाहिए परफेक्ट मोहन थाल बनाने के लिए। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस चाशनी को हम धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। जो हमने बेसन को पहले से भून कर रखा था उसमें हमें इसे ऐड कर देना है। और चाशनी ऐड करने के बाद हमें इसे मिक्स करते हुए पकाना है मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं पकाना है, वरना आपका जो मोहन थाल है वो हार्ड हो जाएगा। तो आप इसे चलाते हुए पका लें और जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे इसमें से जो घी है वो भी रिलीज़ होता जाएगा। ये देखिए इसे पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है। बस इसे 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। 2 मिनट के लिए और हम इसे पकाएंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए अगर आप इसे स्पून से खाने के लिए सर्व करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसे सर्व कर सकते हैं चम्मच से खाने के लिए। इसे मैं आज यहाँ पर सेट करने वाली हूँ। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे 2 मिनट बाद। और यहाँ पर मैंने एक केक टिन को बटर पेपर से लाइन करके रखा है, जिससे कि मोहन थाल जो वो ईजिली आउट निकल आए। आप इसे किसी भी थाली पर ग्रीस करके भी इसे सेट कर सकते हैं। इसमें हम इसे डाल देंगे और इसे स्पून की हेल्प से ऊपर से लेवल कर देंगे हम। और अब हम इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए ऐसे ही साइड में काउंटर टॉप पे हम छोड़ देंगे। 2 घंटे में ये बहुत ही इजीली सेट हो जाता है, 2 घंटे बाद ही आप इसे निकालें। ये देखिए 2 घंटा हो गया, ये अच्छे से सेट हो गया है। और इसे मैंने थोड़े से कटे हुए पिस्ता और चांदी के वर्क से गार्निश कर दिया था, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी।
और अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे और इसके पीसेस कट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मोहन थाल यहाँ पे रेडी हो गया है सेट होकर, इसलिए ये इजीली कट भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बिल्कुल परफेक्ट दानेदार मोहन थाल है जो आपके मुंह में जाते ही खुल जाने वाला है। आप इसके पीसेस छोटे बड़े कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितने भी आपको चाहिए। ये देखिए मैं आपको इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मुंह में घुल जाने वाले बिल्कुल परफेक्ट दानेदार मोहन थाल बन के रेडी हो गए। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा कि हलवाइयों का होता है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ इसका टेक्सचर अंदर से, कितने अच्छे से सेट हुआ है देखिए। ये देखिए बिल्कुल दानेदार मुंह में खुल जाने वाला मोहन थाल बन के रेडी हो गया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।